हाय फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल बंद हो गया था पानी के अंदर, इसलिए मैं आप सबको मिल नहीं पा रहा था। लेकिन आप सबकी याद आ रही थी, आपको मिलने की इच्छा थी, लेकिन मैंने वापस कभी कभार मेरा भी दिल करता है कि मैं भी YouTube पर वीडियोस बनाना छोड़कर TikTok पर वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। जब से ये पीसा अवार्ड चल रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उन्हें ये मालूम होने के बावजूद भी कि हम पीसा अवार्ड में नॉमिनेट हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो पूछेंगे, अरे तू पीसा अवार्ड में नहीं गया, अभी देखो पीसा अवार्ड में नॉमिनेट नहीं किया, अबे तेरे सब्सक्राइबर तो देख, अबे देखो बुलाया ही नहीं। हालांकि उनको मालूम है कि हम नॉमिनेट हो ही नहीं सकते, और जो नॉमिनेट करने वाले हैं उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि यूनिक आईडी नाम का कोई चैनल भी है, जो पता नहीं कौन सी अजीब अजीब सी रोस्टिंग वोस्टिंग की गेमिंग की वीडियो डालता रहता है। तो उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिज्जा अवार्ड वाले खुद मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे मेल भी की थी इनविटेशन के लिए, लेकिन मैंने खुद ने मना कर दिया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, अब तुमको मालूम है कि मैं नॉमिनेट हो ही नहीं सकता, 1500 सब्सक्राइबर है मेरे, फोन बुलाएगा हमें। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पिज्जा अवार्ड वाले उनको भी नॉमिनेट कर लेंगे जिनके 1500 सब्सक्राइबर है, या फिर उन्हें नॉमिनेट कर लेंगे जो अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके सब्सक्राइबर कम हो 1000-1500, या फिर उन्हें नॉमिनेट कर ले जो अभी यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं या फिर अपना चैनल क्रिएट करने का सोच रहे हैं। अच्छा तो आज का टॉपिक मेरा ये नहीं था, तो शुरू करते अपनी वीडियो को। కడుపు మండిపోతుంది, పులుసు గారిపోతుంది, ఎందుకిలా నా కర్మ గారిపోయింది, ఎందుకిలా నా కర్మ గారిపోయింది। भाई ये वीडियो देखने के बाद कोई अंधा बेरा लंगड़ा लुल्ला जो हो जाता है इसी गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो सीन है ना उनका ताल्लुक फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री अकाउंट्स और POC ज्योग्राफिया जितने भी ये सब्जेक्ट किसी से भी है ही नहीं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बंदा साइकिल चलाते हुए आ रहा है, पीछे से आ रहा है टेम्पो, और ये बंदा उस टेम्पो को इग्नोर मारते हुए निकल जाता है, और टेम्पो वाला बेलस होकर जाके फुटपाथ से लग पड़ता है, और ये कार के आगे से निकल कर अचानक ब्रेक मार दी, और ये वाओ फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग क्या टैलेंट है। मतलब कि क्या है, इस बंदों को अचानक क्या हो जाता है, साइकिल चलाते वक्त इसको अचानक याद आता है, अबे ये तो मेरा डांस करने का टाइम हो गया है, चलो डांस करते हैं और साथ में गाड़ियों को भी डांस करवा देते हैं। हाँ तो यार अगले सीन में हम देख रहे हैं कि एक जस बिल्कुल आधा टेढ़ा हुआ हुआ है और उसके पर हीरो की तरफ है, जिसको देख के हीरो की बिल्कुल जाम हुई हुई है, और जो कि हमें पीछे खाई भी नजर आ रही है, और फिर हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक एक मसीहा गाड़ी लेकर आता है, हीरो की तरफ बढ़ता है और ये उसे गाड़ी से जब मार दी और गाड़ी उड़ के गई और जहाज के ऊपर। यार सबसे पहले मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा इस हेलीकॉप्टर के उड़ाने वाले की, मतलब कि क्या उड़ा रहा था यार ये हेलीकॉप्टर को, 90-70 पता नहीं किस एंगल के अंदर इसने घुमाया हुआ था बिल्कुल टेढ़ा, और उसके एग्जिट पर हीरो की तरफ थे, मतलब कि क्या पायलट था, किस तरह जहाज उड़ा रहा था यार, कौन था वो, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बंदा जिसने अमिताभ बच्चन की तरह फ्रेंच रखी हुई है वो देख रहा है इधर उधर गुंडों को, और गुंडे देख रहे हैं इससे, और मुझे नहीं मालूम ये गुंडे स्टेचू बनकर क्यों खड़े हुए हैं, या फिर ये सारे गुंडे ग्रुप फोटो ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अरे भाई क्या गोली चला वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। नहीं नहीं भाई पहले ग्रुप फोटो होगा आराम से, इसके बाद ये लोग गोली चलाएंगे। और जब अमिताभ बच्चन की तरह फ्रेंच रखे हुए इस आदमी ने गुंडों को ताड़ लिया, कौन सा डाकू कहां पर है, फिर ताड़ने के बाद वो स्वैग वाला रिएक्शन देता है कि हां भाई मैंने सबको देख लिया कौन सा बंदा कहां पर है, लाओ जी मेरा कैमरा मैन की फोटो खींचू। मतलब के लाओ मेरी गन। और जैसे ही बंदा उसे गन देता है तो वो चलाता नहीं है बल्कि वो गन को फेंक देता है, चलाता नहीं है गन को फेंक देता है, अच्छा गन को फेंक देता है और गन जाकर दरख्त में लग जाती है, फिर वो दूसरी गन मांगता है, दूसरी गन को भी फेंक देता है, और यहाँ पर दो गने और मंगवाता है, और दो गने दरख्त पर लगी हुई है, दो गने उसके हाथ में है, और यहाँ से फायर कर रहा है, और वहां से दरख्त से भी फायर स्टार्ट हो गया है, और इस तरह गुंडे सारे मर जाते हैं। हाँ तो गाइस बाय, मैं जा रहा हूँ ये प्लेनेट छोड़कर, नेक्स्ट टाइम आपको मेरी वीडियोस नहीं मिलेगी और आपको मेरी वीडियोस को बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, भी नहीं बोल सकता, बाय, खुदा हाफिज। नहीं नहीं मतलब तुम क्या समझे मैंने सच में ये प्लेनेट छोड़ दिया। देखो हम इन फिल्मों के चुच्ची मुझे सीनों से नहीं डरते, हम तो वैसे भी अभी भी नहीं डर रहे जब से महंगाई कह रही है मुझे जाना नहीं और खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं। सॉरी हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, सो आ जाते हैं दोबारा हमारे टॉपिक पर। इस सीन में हम देख रहे हैं कि एक बंदा घोड़े पर बैठा हुआ है और पीछे उसके विलन की गाड़ी आ रही है और सामने अचानक आ जाता है टेम्पो।
नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस घोड़े के अंदर ब्रेक किसने लगाया, मतलब कि घोड़े में से ब्रेक मारने की आवाज आ रही है। और इस जालिम बंदे को बिल्कुल भी रहम नहीं आया, एक बेजुबान जानवर को स्लाइड खिलाते हुए, मतलब कि कितना जालिम बदसलूक बेरहम बंदा है। इस घोड़े को बिल्कुल स्लाइड खिला दी इसने, जमीन से रगड़ खाते हुए बेचारा घोड़ा जा रहा है। भाई ये घोड़ा है, ये कोई ये बाइक थोड़ी है कि तुम अंदर से नीचे से ड्रिफ्ट मार के निकल जाओगे। भाई घोड़ा है, ऊपर से जब खिला दे, टेम्पो वैसे ही ऊपर से खुला हुआ था तो ऊपर से उसको जंप भी खिला सकता था, लेकिन नहीं, नीचे से स्लाइड खिलानी है इसको, ड्रिफ्ट लगवानी है घोड़े से। हाँ, तो अब हम जिस फिल्म के सीन के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म के अंदर लॉजिक, ग्रेविटी और फिजिक्स को पेपर बना के ऊपर पकोड़े रखे हैं और पकोड़े खाकर वो पेपर फाड़ के साइड पर कहीं फेंकने देते, इस तरह कर दिया। इस फिल्म के अंदर लॉजिक, ग्रेविटी और फिजिक्स की है ना धज्जियां उड़ा दी है। और मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म के बारे में जिसके लिए सबके जहन में एक ही सवाल है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहुबली की होने वाली वाइफ, जो कि वाइफ बनी नहीं है, उसके सामने बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं उसको मारने के लिए, और ये अकेले देख रही है, और इसने यहाँ से तीर चलाना शुरू कर दिया और ये तीर मारे जा रही है और एक एक करके तीर मार रही है सबको, लेकिन बंदे बहुत ज्यादा है तो कुछ बंदे मर रहे हैं और बहुत सारे बंदे इसके ऊपर आ गए, और अचानक तीन बंदे आ गए और तीन बंदे के ऊपर ये तीर चला दिया है, और जो कि जाहिर सी बात वो बाहुबली ही होंगे, और ये उछलते हुए बाहुबली आए। आप बोल रहे हो मैं रो क्यों रहा हूँ, यार मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे बचपन से लगा था कि अगर आपके पास कुछ चीज होती है, अगर आप उसे यूज कर लो तो वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बाहुबली के पास जितने तीर है वो उतने के इतने ये तीर खत्म क्यों नहीं हो रहे यार इसके, वो एक एक वक्त के अंदर तीन तीन एक साथ तीर चला रहे, लेकिन उसके तीर फिर भी उतने ही है। मारो मुझे मारो। देखो भाई, मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। भाई अगर बनाना चाहे ना इस फिल्म के ऊपर एक अलग से एक पूरी सेपरेट वीडियो बन सकती है, एक पूरे सेपरेट पैकेज के साथ वीडियो चाहिए बाहुबली पर, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, अगर बनानी होगी तो फिर मैं बना लूंगा, ज्यादा लोगों के कमेंट होंगे तो। बस यार वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं यार, बहुत लेट वीडियो आने के लिए भाई मैं आपसे माजरत खा हूँ। सो बस यार वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ तो बस फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए I can't ignore. Oh, I feel it tonight.